सिंथेटिक ट्रैक धर्मशाला में राज्य स्तरीय अंडर 14 प्रतियोगिता का आज शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वीरेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं आज से शुरू हुई राज्य स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता 4 दिन तक रहेगी। इसमें हिमाचल के जिला लाहौल स्पीति को छोड़कर 11 जिलों के 125 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। वहीं मुख्य अतिथि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें नेशनल में खेलने का मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के चलते खिलाड़ियों की नेशनल खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिबंध लग गया था, लेकिन अब कोरोना महामारी से निपटने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा अंडर 19 और अंडर 14 खिलाड़ियों के नेशनल भी करवाए जाएंगे। महोदय, अंडर 14 का टूर्नामेंट है जिसमें 14 साल से कम के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रदेश के सभी 12 जिलों से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करें और ये प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी, जिसका आज यहाँ पे आगाज किया गया है। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता है, इसके बाद क्या नेशनल के लिए भी जो खिलाड़ी हैं उनका चयन होगा? जो बच्चे हर एक टूर्नामेंट जो भी प्रदेश सरकार करवाती है राज्य स्तरीय, वहाँ से जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हीं बच्चों को यहाँ से चयनित करके राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए जाया जाता है, और वही क्रम यहाँ पे भी जारी रखा जाएगा। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे वो बच्चे यहाँ से नेशनल खेलने के लिए जाएंगे। जानना चाहेंगे अंडर 14 की गेम्स नेशनल लेवल पे पहले भी होती रही हैं या फर्स्ट टाइम हो रही है? अंडर 14 की गेम्स तो स्कूल में पहले से लेकर ही हो रही हैं, और ना केवल अंडर 14 ही, अलग अलग एज कैटेगरीज के टूर्नामेंट पहले से लेकर ही देश में और स्कूलों में आयोजित किए जा रहे हैं। नेशनल लेवल की बात की जाए तो नेशनल लेवल पे भी अंडर 14 बिल्कुल। सर बात करें नेशनल की, तो 2 साल से नेशनल बच्चे नहीं खेल पाए अंडर 19 अंडर 14, क्या वजह है? क्या इस बार उन्हें नेशनल खेलने का मौका मिलेगा? जो भी बच्चे, देखिए पिछले 2 वर्षों में तो कोरोना की वजह से कोई टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो पाया। पिछले कल हमने कुल्लू में एक राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया था, वो भी आज से 2 वर्ष पहले तक ऑनलाइन ही किया जा रहा था, लेकिन उसकी वजह से बच्चों में ना वैसा उत्साह होता है। लेकिन जो ये एथलेटिक्स है या आउटडोर फील्ड एंड ट्रैक इवेंट्स है, इन इवेंट्स का तो ऑनलाइन भी आयोजन नहीं किया जा सकता, इसलिए 2 साल के बाद ये फिर से शुरू किया गया है, और यहाँ से जो भी बच्चे जीतेंगे अच्छा परफॉर्म करेंगे उन बच्चों को नेशनल के लिए ले जाया जाएगा।